एक और गुड न्यूज है होंडा मोटर्स की तरफ से। होंडा जिसकी की अमेज, सिटी, WRV जैसी शानदार गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं और काफी पसंद भी की जाने वाली हैं, और ये जो अपग्रेड होने वाला है इसके बाद में ये गाड़ियां अब आपको और भी ज्यादा पसंद आने वाली हैं, क्योंकि जापान की ये दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी अब इस गाड़ी को एक लेटेस्ट अपडेट और अपग्रेड देने वाली है। एक सबसे बड़ा अपग्रेड होने वाला है, वो आपको हम अभी शेयर करेंगे। पहले बताते हैं इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी कुछ बदलाव किए जाने वाले हैं, और जो इसका सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है वो है मारुति की जल्द लॉन्च होने वाली डिजायर CNG को कम्पीट करने के लिए होंडा अमेज का भी CNG वर्जन भी पेश होगा। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा अमेज मॉडल के CNG वेरियंट को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया गया है, और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक होंडा की कॉम्पैक्ट सेडान अमेज फेसलिफ्ट नेक्स्ट मंथ में भारत में लॉन्च होने वाली, यानी कुछ ही समय में ये भारत में लॉन्च हो जाएगी। और इसका मुख्य कारण भी यही है कि CNG से चलने वाली गाड़ियां बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होती हैं, डीजल मॉडल्स की ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही है, और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अमेज CNG निश्चित तौर पर ग्राहकों के लिए एक अच्छा खासा विकल्प देने वाली है इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर। और CNG से चलने वाली अमेज ग्राहकों के लिए ज़्यादा ईंधन कुशल साबित होने वाली है, क्योंकि इसकी लागत होगी पेट्रोल और डीजल दोनों ही तरह की गाड़ियों से काफ़ी कम। और बात करें इसके कंपटीशन की, तो दोस्तों कंपनी ने होंडा अमेज CNG के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अपडेट की है उसके अनुसार फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। और सब 4 मीटर सेडान कार अमेज के CNG वर्जन की लॉन्चिंग के बाद इंडियन मार्केट में इसका मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर, हुंडई ओरा और टाटा टिगोर के आने वाले CNG वर्जन से होने वाला है। तो मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव हम समझ सकते हैं, और ऐसा हम काफ़ी समय से अपने चैनल से कहते आ रहे हैं कि सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को इस बारे में ध्यान करना चाहिए कि कस्टमर का ध्यान करें, उसकी पॉकेट की तरफ ध्यान करें। हम खरीद लेते हैं बेशक गाड़ियां जिस भी प्राइस में होती हैं, लेकिन निश्चित रूप से पॉकेट फ्रेंडली अगर नहीं रहती हैं फ्यूल में तो काफ़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है हर कस्टमर को, जो भी मिड वर्ग का कस्टमर होता है। तो होंडा अमेज के लिए CNG तीसरा ईंधन विकल्प बन के आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दोनों इंजन तो कंटिन्यू रहने वाले हैं दोनों वर्जन, साथ में CNG का ऑप्शन भी मिलेगा। और हम समझ सकते हैं CNG वर्जन आने के बाद में अमेज की सेल्स भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी बेटर है आप जानते ही होंगे। और ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान पेट्रोल दोनों इंजन के साथ काफ़ी अच्छी पसंद की जाती है, इसमें मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प आते हैं, लेकिन ये तय है कि इसका जो CNG वाला वेरिएंट आएगा वो मैनुअल में ही आने वाला है। और डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन करंटली आता है, ये इंजन 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 100 PS पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क देता है। अमेज इस सेगमेंट की इकलौती कार है जो डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है, और अमेज का डीजल CVT कॉम्बिनेशन 80 PS की पावर और 160 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और होंडा CNG ईंधन विकल्प को सिर्फ कार के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के साथ ही पेश करेगी, ऐसी ही संभावना की जा रही है, और अमेज होंडा की पहली कार होगी जिसे फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ पेश किया जाएगा। और जो इसका इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार 24.7 पर प्रति लीटर का माइलेज मिलने का दावा है, जबकि डीजल में CVT देती है 21 का, पेट्रोल में 18.6, तो यानी CNG में आपको 25 के आसपास का इस पावरफुल गाड़ी से मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा विकल्प आप इसे मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये ARAI प्रमाणित ईंधन माइलेज के आंकड़े हैं, लुक और डिजाइन काफ़ी शानदार होने वाला है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपको चाहिए अन्य कोई इन्फॉर्मेशन इसके CNG वेरिएंट्स के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो होंडा अमेज परचेज करने जा रहे हैं, वो थोड़ा वेट कर सकते हैं फेस्टिवल सीजन तक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नमस्कार दोस्तों।